हेलो दोस्तों, हम बना रहे हैं आज बीन्स की सब्ज़ी बिल्कुल सिंपल तरीके से। और हमने ये बीन ले लिए हैं, देसी बीन लिए हैं मैंने, देसी छीलने हमने स्टार्ट कर दिया है। हमने एक एक करके इन्हें सेटों से काट लेंगे। देखिए मैंने काटना स्टार्ट कर दिया है। इस बीन्स की सब्ज़ी एक बहुत ही अच्छी सब्ज़ी है, बहुत टेस्टी लगती है, खाने में भी बहुत स्वाद आता है। तो आज हम बीन्स की सब्ज़ी बना रहे हैं और थोड़ा मैं बड़ा साइज काटूंगा, तो मैंने ये साइज की काटना स्टार्ट कर दिया, थोड़ा बड़ा बड़ा साइज। ये देखिए मैं सारे को ऐसे काट लूँगा। वैसे तो आप एक साथ में भी पकड़ के काट सकते हैं, पर मैं तो थोड़े एक एक करके काट रहा हूँ, तो मैंने इस तरीके से सब काट लिए हैं। एक आलू लिया है, आलू को मैंने थोड़ा मोटा साइज कर लिया है। आलू को हम धो लेंगे, आलू को धो लिए थे अच्छे से। अब यहाँ गैस जला देंगे, कढ़ाई हम रख लेंगे। कढ़ाई हमने रख लिया, हम थोड़ा सा घी छोड़ेंगे। घी मैंने छोड़ दिया है, घी को अच्छे से गर्म होने देंगे। घी हमारा अच्छे से गर्म हो गया है, मैंने एक चम्मच इसमें जीरा छोड़ दिया है। देखिए जीरा हमारा अच्छे से चटक गया है। मैंने एक थोड़ी सी स्वाद अनुसार हींग डाली है हल्की सी, और मैं इसमें जो है अदरक डाल दूँगा। तो मैंने ये अदरक डाल दी है। अदरक को हम हल्के से भूनेंगे, हमें ज़्यादा भूनना नहीं है क्योंकि ज़्यादा भूनने से कबापन आ जाता है। तो मैं टमाटर और हरी मिर्च एक साथ ही डाल दूँगा और हमें अच्छे से चला लेंगे। मैंने इसे अच्छे से चला लिया है, लेकिन मेरे अच्छे से चल हो रहा है। अब मैं इसमें थोड़े मसाले ऐड करता हूँ, नमक डाल दिया स्वाद अनुसार। मैं थोड़ा सा हल्दी डाल रहा हूँ, हल्दी डाल दी थोड़ी सी, थोड़ा लाल मिर्च पाउडर डाला है, हल्की है चम्मच धनिया पाउडर डाला है। अब हम इसे हल्का सा गरम मसाला डाला है, हल्का सा मसाला डाला है घर का। तो हम इसे अच्छे से चला लेंगे। अच्छे से मैंने बढ़िया से मैश कर लिया। देखिए मेरे टमाटर वमाटर सब भुन गए हैं बिल्कुल अच्छे से। तो हमें इसमें जो है वो गरम मसाला बिल्कुल परफेक्ट हो चुका है। तो हमें इसमें जो है सब्ज़ी छोड़ दूँगा जो मेरे निचोड़ रखी थी। देखिए मेरा मसाला सब कुछ सारा तेल छोड़ चुका है एक तरफ बिल्कुल। अब मैंने जो मुझे सब्ज़ी ली थी वो कुछ डाल दी है इसमें, अच्छे से मिला लेंगे। मैंने सब्ज़ी जो है अच्छे से मिला ली है, अच्छे से चला दी है। अब इसे हम ढक कर रख देंगे, चला कर बढ़िया करके बिल्कुल सब तरफ से चला दिए। इकट्ठी एक साइड कर दिए। अब मैं इसे ढक दूँगा, ढक के रख दिए 5 मिनट के लिए। गैस स्लो कर देंगे। मेरी 5 मिनट हो गए, मैंने उबाल दी थी। मेरी सब्ज़ी अच्छे से हो चुकी है, अधकच्ची हो गई है। मैं एक बार फिर चलाऊंगा इसे, और हमें अच्छे से ऐसे पलट कर चला कर पलट कर सब तरफ, और हमें फिर से ढक कर रख देंगे 5 मिनट के लिए। 5 मिनट बाद हम खोलेंगे। 5 मिनट हो गए हैं, देखिए हमारी सब्ज़ी कितनी अच्छी तरह रंग लाई है और पक गई है हमारी सब्ज़ी। बढ़िया टेस्टी हुई, ना कहीं से कोई बैठी हुई है, बिल्कुल एकदम स्वाद अनुसार। देखिए मैंने चेक भी कर ली है, सब्ज़ी मेरी बढ़िया हो गई है। आप भी अपने घर पर एक बार जरूर ऐसे ट्राई करेंगे। बिल्कुल सिंपल तरीके से बहुत जल्दी बन जाती है, ना कोई भेज ना कोई झंझट, और बहुत ही टेस्टी लगती है खाने में। पसंद आई हो तो लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब जरूर करना प्लीज़।